चौक गए? हाँ हाँ पता है, आप लोगों ने देख लिया। यस गाइस, दिस इज ईगल एसएमपी। अरे ये आई नो आप लोग यही सोच रहे हो ना कि ये क्या से क्या हो गए देखते। हाँ बताया कि भी ऐसे गाना गाते रहेगी। अरे हाँ पापा बता रही हूँ, आप चुप बैठोगे तो बताओ ना मैं भाई। अच्छा सॉरी तू बता। हाँ सो गाइस, मैं ये बता रही थी कि ये ईगल एसएमपी है एंड ये पूरी की पूरी एसएमपी ना हम सब ने मिल के बनाई है एंड इतनी मेहनत लगी थी बट बनाने में इतना मज़ा आया एंड जो मस्ती हुई है ना वो तो मैं आपको दिखाने ही वाली हूँ। हम लोग टावर बना रहे थे सब लोग मिल के एंड इसी दौरान बहुत सारे न्यू मेम्बर्स भी ऐड हुए हैं जिनसे मैं आपको मिलवाऊँगी भाई, ऑब्वियसली मिलवाऊँगी यार। लेकिन टू बी ऑनेस्ट इतने मज़े किए हमने इस जो भी हमने बनाया है वो बनाते बनाते हमने इतने मज़े किए कि किसी ने सोची ना होगी। उसके ना हम लोग टावर बना रहे थे ना उसकी ग्लिम्स दिखाते हैं कि ये लोग क्या कर रहे थे। देख ली इनकी मस्ती, देख रहे हो काम तो करना नहीं है। मतलब मैं साइक्लोन भाई काम कर रहे थे, रोहन भाई और फियोनिक्स भाई हम लोगों को कर रहे थे एंटरटेन, जो कि बहुत ही मज़ा आया। इतना एंटरटेन हुआ है ना हम उस दिन एंड हम लोग है ना मतलब सब लोग बैठे हुए थे डिस्कॉर्ड पे एंड वहाँ पे सब लोग गाने बजा रहे एंड वो सारे गाने तो कॉपीराइटेड हैं जो कि वो लोग बजा रहे थे, मैं नहीं बजा सकती। बट जितना मैंने आपको ट्राई किया जितना हम लोग हंसे आए, होप कि आप लोग भी उतना ही हंसे होंगे एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत ही मज़ा आया। एंड जैसे कि आपको याद होगा पहले सब कुछ ऐसे टूट फूट सा जाता था एंड अभी ऐसा कुछ होता ही नहीं, सब लोग एकदम शांति से रह रहे अपना अपना घर बना रहे हैं। अपना अपना घर बना रहे हैं तो सबके घर बन गए हो तो दिखा देना माता थोड़ा सा। अच्छा करा दूँ? अच्छा चलो गाइस करते हैं, आज करते हैं आप लोग ईगल एसएमपी का टूर वीडियो एंड आई होप सबको मजा आए। चलो करते हैं फटाफट, अब आए हैं तो हमारे घर से स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा घर एंड इसकी जो बाउंड्री है ना ये और भी हमने ब्यूटीफुल कर दिया है। सैम्बर भाई ने मेरी बहुत हेल्प की है इसमें क्योंकि एज यू नो वो बहुत ही प्रीटी चीज़ें बनाते रहते हैं। एंड अभी ना मैं आपको एक शॉर्ट नोटिस दे देती हूँ कि हमारी जो गैलेक्सी एसएमपी है, गैलेक्सी सर्वर है, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी न्यू चीज़ें बनाई हैं तो वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ जब भी उसका वीडियो आएगा तभी। सो लेट्स गो एंड अभी ये घर देख लो कितना प्रिटी कर दिया है उन्होंने और हमने ना थोड़ी सी डेकोरेशन किया अंदर से, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। और एक सीक्रेट चीज़ भी बना दिया उन्होंने, दिखाऊँ? चलो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे पूरा है फर्नेसेस, ब्रूइंग स्टैंड, स्मोकर्स एंड इन सारी चीज़ों का ये पहाड़ और यहाँ पे चेस्ट का पहाड़। तो यहाँ पे छोटी सी बीच में से टेबल बना दी एंड ऊपर तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ऊपर तो जैसा था वैसा ही रखा हुआ है हमने और कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। स्वीट सा छोटू सा जैसा था वैसा ही। एंड अभी मैं आपको आगे का बताती हूँ, एक सीक्रेट रूम बनाया हमने जो कि सीक्रेट नहीं है क्योंकि ऑन स्ट्रीम ऑब्वियसली पता ही लग गया है सबको। सो ये देख लो, यहाँ पर मैंने एक बेस बना रखा था, एक्चुअली सामे भाई ने बनाया ये पूरा का पूरा जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है एंड दिस इज़ एन एन्चेंटिंग एरिया। सो मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे मेरे पास सब कुछ ही है, एनवल एंड ये सारी चीज़ें ग्राइंड करके हमने इतनी मेहनत की है। सोचो हमने इतने सारे एनवल बना लिए सिर्फ डेकोरेशन के लिए, गाइस सिर्फ डेकोरेशन के लिए और कुछ नहीं करना है उनका। सो बस इतना ही था हमारा घर एंड ये रहा हमारा लेजिट टावर। ये टावर बनाने में तो मैंने हेल्प किया बट ये पूरे टावर का आइडिया था रोहन भाई का यानी कि आरआर गेमर हब का। एंड टू बी ऑनेस्ट इतना प्यारा टावर है भाई, उनका आइडिया बहुत ही भाई, उनके आइडियाज़ तो एपिक होते हैं मैं इतना बता सकती हूँ, बहुत एपिक होते हैं उनके आइडियाज़ भी।
एंड ये हमारे प्यार विषय छुतुषा को जिसका जो बेस है मतलब ये जो बाउंड्रीज है वो तो मैंने बनाई थी एंड बाकी का अंदर की डेकोरेशन एंड वो सारी चीज़ें की थी क्रेजी भाई ने या एस्ट्रो भाई ने बोल सकते हैं वो इज़ एस्ट्रोनॉटिकल गेमिंग। एंड ये रहा हमारे जज साहब यानी कि जज एस्ट्रोनॉटिकल का घर, बहुत ही सिंपल सा क्यूट सा है। और ये है मीतू भाई का घर यानी कि मीतो गेमर्स का घर एंड ये भी बहुत ही प्यारा बना रखा है, डॉट का बनाया हुआ है, नो एफर्ट बट इतना प्यारा लग रहा है ना बाहर से। एंड जो टिंटेड ग्लास है ना ब्लू स्टेन ग्लास दैट्स लुकिंग प्रिटी बी दैट्स ऑसम, मुझे काफ़ी पसंद आया, डोंट नो व्हाई बट यप मुझे पसंद आया। एंड ये रहा हमारा कैसल जो कि अभी बनना बाकी है, ये बना रहे हैं विग्नेशियस लाइफ, तो अभी उनके तो एग्जाम्स चल रहे हैं तो वो बाद में आके बना देंगे, कंप्लीट कर देंगे पूरा। एंड ये रहा हमारे एसएमपी का आयरन फार्म जो कि क्रेडिटेड है टू मोन गेमिंग क्योंकि वो हमारे एसएमपी के न्यू मेंबर हैं एंड ये उनका फर्स्ट बिल्ट है, इस वजह से उनको हमने क्रेडिट दे रखा है, नहीं तो हम लोग क्रेडिट नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम लोग पहले से खेलते आ रहे हैं एंड मोस्ट चीज़ें हम लोगों ने ही बनाई है तो हमें क्रेडिट की ज़रूरत ही नहीं है बेसिकली। सो इस वजह से यहाँ पे आयरन तो बहुत सारा आ जाता है, दैट्स दिस इज़ वर्किंग ओके। मैंने भी ट्राई किया था, कभी कभी मैं ट्राई करती हूँ बट मेरे से होता नहीं कभी, मतलब मेरे वर्ल्ड में करती हूँ, एसएमपी में तो कभी नहीं किया। एंड ये है मोन दीदी का हाउस, बेसिकली बहुत ही क्यूट सा बना रखा है एंड टू बी ऑनेस्ट उन्होंने खुद बनाया है, यस मैं भी देख रही थी उन्होंने सच्ची में खुद बनाया है एंड इट्स सुपर प्रिटी, मुझे बहुत ही पसंद आया एंड इट्स स्वीट, अंदर से खाली है बट अभी बनना बाकी है तो आगे देखते हैं वो कैसा बनाते हैं घर। एंड यहाँ पर बन गए पूरी 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 साइक्लोन भाई की और शार्की भाई की अलग ही एसएमपी बन गई है यहाँ पे, इन्होंने बताया कि यहाँ पे ना पूरा अलग ही बना देंगे सब कुछ, तो अभी पता नहीं ये लोग क्या करने वाले हैं। मेरा तो काम है सबकी हेल्प करना तो मैं सबको हेल्प ही करती रहती हूँ वैसे भी। एंड आपको छोटू सा टूर देती हूँ अंदर से, ये दोनों जो गेट है ना यहाँ से हम लोग अंदर जा सकते हैं, वो अंदर से तो नहीं दिखा रही क्योंकि ग्राउंड ही फिरना है। एंड यहाँ पर है किचन, छोटू सा किचन रखा है यहाँ पे एंड अंदर जाते ही है यहाँ पे दो स्टोर रूम है, एक शार्की भाई का स्टोर रूम है एंड जो दूसरा स्टोर रूम है वो है साइक्लोन भाई का स्टोर रूम। यप इतना ही बना रखा है, आगे का हम लोग एंड में बताएंगे कि मतलब कैसा बना है, ये अभी तक तो इन प्रोसेस है कि कैसे बनाना है, वो सब लोग कर रहे हैं हम सब लोग मिलके। सो यस गाइस दिस वाज छोटी सी प्यारी सी हमारी ईगल एसएमपी थी एंड बहुत ही जल्दी आपको हर एसएमपी के मतलब सारे मेंबर्स के साथ वीडियो मिलने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियोस एंड इफ यू एंजॉय टुडेस वीडियो प्लीज हिट लाइक। एंड अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।